कोरोना वायरस के मामलों के निपटारे और देखरेख के लिए उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 बनाई है। सीएम योगी अक्सर इनके साथ बैठक कर मामलों की जानकारी लेते हैं, साथ ही आगे के फैसले भी तय करते हैं। सोमवार को एक बार फिर इनकी बैठक हुई, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने प्रवासी कामगार मजदूरों को सुरक्षित अपने घरों तक पहुंचाने के लिए 10,000 बसों की व्यवस्था करने की बात कही है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री के निर्देश पर इन सब की मेडिकल स्क्रीनिंग के लिए 50,000 से अधिक मेडिकल टीम भी बनाई गई है। सोमवार को गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक से 5 अलग अलग ट्रेन प्रवासी मजदूरों को लेकर निकली हैं। इन सभी को शुरुआत में सरकार द्वारा जिलों में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती कराया जाएगा, फिर उनका मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद ही घर या क्वारंटाइन सेंटर भेजने का फैसला लिया जाएगा। मेडिकल जांच में जो लोग स्वस्थ पाए जाएंगे उन्हें खाद्यान्न पैकेट और जरूरी सामान के साथ होम क्वारंटाइन में भेज दिया जाएगा। वहीं जो लोग चेकअप में अस्वस्थ पाए जाएंगे उन्हें हेल्थ सेंटर में उपचार के लिए भेजा जाएगा। निराश्रित लोगों को भरण पोषण भत्ता देने की भी बात कही गई है। फिलहाल क्वारंटाइन सेंटर में 11 लाख लोगों के रहने की व्यवस्था की गई है। उन्हें वहां पर कम्युनिटी किचन के जरिए भोजन की उपलब्धता कराई जा रही है। कम्युनिटी सेंटर को पहले ही जियो टैग किया जा चुका है, अब क्वारंटाइन सेंटर को भी जियो टैग किया जा रहा है। आपको बता दें कि देशव्यापी लॉकडाउन की वजह से कई प्रवासी कामगार मजदूर लगभग 1.5 महीने से दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, लेकिन गृह मंत्रालय के नए आदेश के बाद अब इन सबको बारी बारी से अपने गृह राज्य भेजा जा रहा है। एक स्पेशल ट्रेन 1200 प्रवासी मजदूरों को लेकर कानपुर पहुंची है। ये सभी मजदूर गुजरात के साबरमती में फंसे हुए थे। लखनऊ में भी 800 प्रवासी मजदूरों को लेकर एक ट्रेन रविवार को सुबह 4 बाग रेलवे स्टेशन पर पहुंची थी। ये ट्रेन महाराष्ट्र के नासिक से मजदूरों को लेकर यहाँ पहुंची। वहीं महाराष्ट्र के भिवंडी से लगभग 1200 मजदूरों को लेकर एक ट्रेन गोरखपुर के लिए रवाना हो चुकी है। ये ट्रेन रात 1:23 पर भिवंडी पहुंच जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, APNS।